मेरा कहने का मतलब है कि जो विरोधी नेता, चाहे रविंदर पांडे हो, जेनी शर्मा को हो, ओपी लाल हो, अगर हिम्मत है और जो विरोध करता है, हम चाहेंगे कोयलांचल में जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनी चल रहा है उसका सीबीआई जांच है। किस नेता का किससे साठ गांठ है, कौन पैसा ले रहा है, कौन पैसा खा रहा है, कौन पैसा नहीं ले रहा है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है। हम चुनौती देते हैं, रविंदर पांडे बाप दादा घर से लाया था, औरंगाबाद से लाया था, अरबों रुपया बाकी 500 दफर का मालिक बन गया, बाप उसका जमीन बेच के लाया था, यहाँ 500 दफर का मालिक बन गया। हम पर आरोप लगाता है, जहाँ से जहाँ के जनता उसको चुनाव जिताया, बाघमारा की जनता उसको चुनाव जिताया और बाघमारा के प्रति इस तरह से गलत मतलब स्टेटमेंट देता है, गलत बाघमारा के प्रति जो हजारों 10,000 लोग रोजी रोजगार वहाँ कमा खा रहा है और उसके प्रति लोकसभा में क्वेश्चन करना पड़ा, वहाँ दो नंबर काम हो रहा था, वहाँ पे दो नंबर काम हो रहा था, चोरी हो रहा था, बेईमानी हो रहा था, जहाँ पे हजारों हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है, बहुत ऐसे बीसीसीएल अधिकारी, आउटसोर्सिंग कंपनी, कुछ भ्रष्ट नेता, कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर वैसे लोग लूट रहा है, उसको आज तक कभी क्वेश्चन करने का काम किया? आज यहाँ पे चंद्रपुरा लाइन में जो रेल बंद हो गया, सही बात बोल रहा है कि आज वहाँ के सांसद रविंदर पांडे एक भी क्वेश्चन किया हो लोकसभा को दिखा दीजिए, किस चीज़ का नेता है? यहाँ के गरीब जनता को ठगने के लिए, लूटने के लिए आज 20 साल से यहाँ के लोगों ने उसको वोट दिया, क्या एक बार भी लोकसभा में उठाने का प्रयास किया? ट्रेन जितना बंद हुआ है उसका वो आग लगा था आउटसोर्सिंग कंपनी से मिलकर, बड़े बड़े कंपनी से मिलकर इसका लोकसभा में उसका क्वेश्चन उठाया, उसके परिणाम क्या ट्रेन बंद हुआ, सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी को हम लिख के भी दिए हैं, आज ही लिखवा रहे हैं, लिख के दिए हैं, पीयूष गोयल जी को लिख के दिए हैं, राष्ट्रपति को लिख के दिए हैं कि इसका सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी पानी सामने आ जाए। सभी आउटसोर्सिंग के खिलाफ टोटल पूरा धनबाद जिला में जितने भी हैं सारा चोर चोर मुसेरे भाई चोर मचावे शोर वही वाला हाल है, सारा चोर लोग एक तरफ होकर हमको बदनाम करने का प्रयास कर रहा, तो उसका दूध का दूध और पानी पानी हम तो अपना पक्ष लेंगे, वो अपना पक्ष लेगा, गलत कौन सही कौन है उसका पता चलेगा।